खबर कानपुर से है, जहां छेड़छाड़ की शिकायत करना लड़की को महंगा पड़ गया है। दबंग ने लड़की पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दबंगों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की को शराब से नहलाया था। डीआईजी के आदेश पर 3 लोगों पर FIR हुई थी। मुकदमा वापस लेने का दबंग दबाव बना रहे थे। काकादेव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ नीरज अवस्थी हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए हैं। नीरज, लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही है एक बार फिर से, और यहाँ तो जब शिकायत जब महिला जाके करती है तो उसे महंगा पड़ गया, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आपको बता दूं, ये पूरा वही मामला है जिसे हमने पहले भी उठाया था। इस मामले में जो काकादेव थाना पुलिस है उस पर भी सवालिया निशान उठे थे, क्योंकि उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए इस लड़की के मुकदमे में कार्रवाई की बजाय उल्टा अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इस मामले में जब DIG के पास पीड़ित परिवार पेश हुआ था तो मुकदमा लिखने के आदेश हुए थे। हालांकि पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई थी, जबकि गंभीर आरोप थे। उसी मामले में चूंकि शिकायत की गई थी तो आज पीड़िता जो है अस्पताल पहुंची है, उसके हाथ पर हमला किया गया है और चोट उसके ऊपर उसकी चोट लगी हुई है, उससे उसके ऊपर दबाव डाला गया है कि मुकदमे की वापसी कराए। अब देखने की बात यह होगी कि दबंग हो चुके जो मंचले हैं वो इस तरीके की जब हरकतों को अंजाम दे रहे हैं तो पुलिस अब इन पर क्या? जी बिल्कुल नीरज, क्योंकि इससे पहले भी DIG के आदेश पर 3 लोगों पर FIR हुई थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से अब धारदार हथियार से हमला किया गया है तो ऐसे में तो अधिकारियों को सख्त होना पड़ेगा, एक्शन में आना पड़ेगा, गिरफ्तारी करनी चाहिए ऐसे में। जी बिल्कुल, इस मामले के सामने आने के बाद पहले ही अधिकारियों ने मुकदमे लिखने के आदेश किए थे और जांच के आदेश किए थे, लेकिन इस तरीके के जो गंभीर आरोप है और जब चूंकि पीड़िता ने पहले बताया था कि उसे दबंगों ने शराब से भी नहलाया था, फिर भी उसके बाद कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई कानपुर पुलिस की वजह से, जिसकी वजह से हौसले जो है बुलंद नजर आए हैं मंचलों के और आज इस तरीके की चीजें सामने आई हैं। साफ तौर पर इसमें पुलिस की भी कहीं ना कहीं मिली भगत है, क्योंकि जिस तरीके से पहले पीड़ित जो है लगातार चक्कर लगाते रहे थाने के, उल्टा उन्हीं से बेशर्मी के जो प्रश्न पुलिस ने किए थे उसके बाद भी अब जब इस तरीके से दबंग हरकतें कर रहे हैं तो उसके बाद भी उन पे खुद से कार्रवाई नहीं की जा रही, तो ये अपने आप में पुलिस को सवालिया निशान खड़ा करता है। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।